अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको रोटी पकाने का तरीका सिखाएंगे। पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पुर्तगाल में अंडों का आमलेट बनाया था, वो आपको पता है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और सारी दुनिया से हमें पैगाम आता है कि आपने बड़े कमाल के अंडे बनाए हैं। तो आज हमने सोचा कि आपको रोटी बनाने का भी तरीका सिखाए। खाली अंडे खा के की करना है, तुसी रोटी भी तो पकानी है ना नाल। तो ये जनाब आटा है और ये हम पेड़ा बनाएंगे। ये जनाब हमारा पेड़ा रेडी है और इसके बाद हम आपको रोटी बेलने का तरीका बताएंगे। अक्सर आपको पता है घर में लोग कहते हैं जी मेरी बुढ़ी हांडी तो बड़ी सोहनी बना लेंदी है, रोटी नहीं उन्हें बनानी आती, मोटी विंगी चिबी सड़िया हुई रोटियां खा खा के मेरा दिमाग भी सड़ गया है। तो हमने ये सोचा कि आज आपको रोटी बनाने का तरीका बताएं ताकि आप भी अच्छी रोटी खा सकें। ये जनाब हमने पेड़ा रखा है यहाँ पे और इसको हम बेल रहे हैं। ये बेलते हुए मैं अपना पेड़ा जो है ये इसको घुमाता जा रहा हूँ ताकि इसके जो किनारे हैं साइड से वो इक्वली हर तरफ से वैसे ही गोल हो सके। ये देखें नीचे ये घूम रही है साथ साथ और सिर्फ एक साइड से ज्यादा जोर लगा रहा हूं। ये जनाब हमने रोटी तकरीबन बेल ली है। अब हम तवा जो है वो बिल्कुल फुल आग पे रेडी करेंगे ताकि एक परफेक्ट रोटी तैयार की जा सके। ये जनाब आग हमने फुल कर दी है और अब हम वेट कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा बहुत धुआं निकले तवे में से ताकि नजर आएगा ये बिल्कुल रोटी के लिए रेडी है। तो अब हम जनाब रोटी उठाएंगे और इसको थपकियां शपकियां देंगे, इसको प्यार देंगे थोड़ा सा क्योंकि ये आखिरकार हमारे ही पेट में जानी है। तो लें जी ये हमारी रोटी तवे की सैर के लिए तकरीबन रेडी है। लें जी ये एक परफेक्ट रोटी इसे कहते हैं। अब हम वेट करेंगे और इसको ज़्यादा सेक नहीं लगाना कि ये बिल्कुल रेडी हो जाए, इसको थोड़ा कच्चा रखना है और इसको कोशिश करेंगे कि इसको फौरी तौर पे पलट दिया जाए। ये अब ये वाली जो साइड है दूसरी इसको हम बिल्कुल तवे के ऊपर ही रेडी करेंगे। की याद करोगे तुम एडी सोनी रोटी बनाने का तरीका सिखाने लगा। ये खवातीन जितनी भी हैं ये गौर से देख भी लें और समझ भी लें कि ये रोटी कैसे पकाई जाती है। हमें बहाने ना मारिया करो कि मेरे को नहीं पकती, बड़ा आसान सा तरीका। अब ये वाली साइड में मुकम्मल रेडी करने लगा हूं। अब ये थोड़े बहुत आपको नजर आ रहा होगा ये रोटी फूरी है, इसका मतलब है कि हमारी ये वाली साइड तैयार है तकरीबन। ये लें जी अब इसको हम सेक लगाएंगे और ये बॉल की तरह रोटी आपकी जबरदस्त फुलका तैयार होगा बॉल जैसा। ये देखें जनाब, ये कैमरामैन इसका जरा क्लोजअप लें और दिखाएं ये हमारी रोटी। इसको कहते हैं रोटी, क्या कहते हैं राहील? बॉल वाली। ये देखें बॉल वाली रोटी जनाब। लगता है तो ये जनाब एक परफेक्ट रोटी है और आपकी रोटी हर तरफ से जनाब बेहतरीन होके रेडी हो गई है। ये देखें इसमें से धुएं निकल रहे हैं, इसको कहते हैं फुलका। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।